कॉपी रीचेक करवाने का डेट आ गया है, कॉपी रीचेक कब से लेकर के कब तक होगा और कॉपी रीचेक करवाने के बाद आखिर कितना नंबर तक बढ़ सकता है और जो आप लोग का पेंडिंग रिजल्ट है आखिर कब तक आ जाएगा, इसी सभी टॉपिक के ऊपर फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो फाइनली आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जो भी लोग SBT हार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और ये लोग 6 सेमेस्टर में 1 या 2 पेपर में फेल हो गए हैं, लेकिन इनका कहना है कि सर हम लोग कॉपी में लिखे हुए हैं फिर भी हमको नंबर नहीं दिया गया है। तो आप लोग के लिए गुड न्यूज है, आप लोग बहुत दिनों से इस इंतजार में थे कि सर कॉपी रीचेक करवाने का डेट कब आएगा, तो आप सभी को बता दें जो डेट है वो फाइनली आ चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे कब से लेकर के कब तक होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, आखिर कितने नंबर तक बढ़ सकता है और इसको आप सभी को प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। एक स्टूडेंट का मेरे पास रिजल्ट है, जब वो फेल हुआ था तब उसको कितना नंबर मिला था और जब कॉपी को रीचेक करवाया था तब उसका नंबर बढ़ के कितना हो गया था। तो चलिए 1 बाय 1 करके सभी टॉपिक के ऊपर फुल डिस्कशन कर लेते हैं। इसके पहले आप सभी को बात बता दें, अगर अभी तक तो जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाते रहे और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त कोई फेल हुआ होगा तो उसके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। सबसे पहले आप सभी को दिखा दे कि कॉपी को रीचेक करवाने के बाद आखिर कितने नंबर तक बढ़ सकता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यह इलेक्ट्रिकल ब्रांच का रिजल्ट है और ये बच्चा इलेक्ट्रिकल सर्किट में फेल हो गया था और इसको मात्र 16 नंबर दिया गया था, जबकि पासिंग मार्क कितना होता है तो आप सभी को बता दे 28 होता है। लेकिन इसको हम बोले थे तुम अपना कॉपी को रीचेक करवाओ तुम्हारा नंबर बिल्कुल बढ़ेगा, वो बच्चा हमसे बोल रहा था सर हम कॉपी में लिखे हुए हैं हमको नंबर नहीं दिया गया है। बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको हम बोले कि तुम अपना कॉपी को रीचेक करवाओ, वो लड़का अपना कॉपी को रीचेक करवाया था तो आखिर 16 नंबर से बढ़ करके आखिर कितना हो गया था चलिए आप सभी को बता दे। आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि लिखा गया है प्रमोटेड विथ कैरी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। चलिए आप सभी को दिखा दे, जब ये बच्चा अपना कॉपी को रीचेक करवाया था तो 16 से बढ़ करके आखिर कितना नंबर हो गया। लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट पेपर में इसको पहले 16 नंबर दिया गया था जिसके वजह से बच्चा फेल हो गया था। जब ये लड़का अपने कॉपी को रीचेक करवाया तो इसका जो नंबर हो गया वो फाइनली बढ़ करके 28 नंबर हो गया, यानी टोटली 12 नंबर बढ़ गया। तो जिनके भी मन में कन्फ्यूजन रहता है कि कॉपी को रीचेक करवाने के बाद नंबर नहीं बढ़ता है तो आप लोग लाइव प्रूफ में देख लिए होंगे कि नंबर बिल्कुल बढ़ता है। आखिर आप लोग का नंबर क्यों कम आ जाता है चलिए आप सभी को एक बात बता दे, जैसे कि क्वेश्चन होता है 4 नंबर का होता है 6 नंबर का, जब आप लोग कॉपी में लिखते हैं तो किसी में 2 नंबर मिलता है, किसी में 3 मिलता है, किसी में 4 मिलता है, किसी में 5 मिलता है। जब नंबर एडिंग करने का टाइम होता है तो 2 नंबर जुट जाता है, 4 नंबर जुट जाता है, 5 नंबर जुट जाता है, लेकिन जो 3 नंबर है ये छूट जाता है, जिसके वजह से आप लोग कॉपी में लिखे हैं उसके बाद भी आपका जो नंबर है कम हो जाता है और आप लोग अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। ये गलती बोर्ड का है लेकिन इसका खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। तो अगर आप सभी को कॉन्फिडेंस है कि हम कॉपी में लिखे हैं तो आप लोग अपने कॉपी का रीचेक बिल्कुल करवाइए, आप लोग पैसा को नहीं देखिए, पैसा को देखिएगा तो आप लोगों को 6 मंथ तक वेट करना होगा, ठीक है। तो आप लोग अपने कॉपी को रीचेक बिल्कुल करवाइए। अब चलिए आप सभी को बात बता दे कि जो आप लोग का कॉपी का रीचेक है आखिर कब से लेकर के कब तक तो किया। आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस नोटिस को 1 जुलाई 2024 को पब्लिश किया गया है, ऊपर में लिखा गया है राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद बिहार पटना। तो चलिए देख लेते हैं आखिर इसमें क्या क्या आप सभी को बताया गया है। इसमें आप सभी को बताया गया है कि मई 2024 में आयोजित होने वाली सेमेस्टर परीक्षा 6 जिसमें जो भी स्टूडेंट फेल हो चुके हैं और अपने नंबर से असंतुष्ट है तो ये लोग अपने कॉपी का रीचेक 2 जुलाई से लेकर के
15 जुलाई तक करवा सकते हैं। जो आप लोगों का साइट है 2 से लेकर के 15 तक ओपन किया जाएगा, यहाँ पे आप सभी को बताया गया है। तो जिनके भी अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम कॉपी में लिखे हुए हैं लेकिन हमको कम नंबर दिया गया है, तो आप सभी को बता दें, आप लोग अपने अपने कॉपी को रीचेक बिल्कुल करवाइए, आपका नंबर बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। और रहा बात कि पेंडिंग का रिजल्ट आखिर कब तक आ जाएगा, तो आप सभी को बता दें 10 जुलाई तक जो आप लोग का रिजल्ट है वो फाइनली क्लियर हो जाएगा। और भी कोई क्वेश्चंस होगा, और भी कोई क्वेरी होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।